हेलो फ्रेंड्स, घर का खाना में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है एक फास्ट फूड बर्गर। जी हाँ, बर्गर सबको बहुत पसंद आता है और आजकल तो एक फैशन चल गया है कि लोग मैकडोनल्ड्स में जाके या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके बर्गर खाना बहुत पसंद करते हैं। उसी बर्गर को हम घर पे कैसे हाइजीनिक तरीके से और बिल्कुल वही टेस्ट आए मैकडोनल्ड स्टाइल, उसको हम कैसे बनाएं, सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बहुत ही कम समय में बन जाता है और बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें सामग्री चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, ये देखिए। इसे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं उबाला है, इसको मैंने हाफ बॉयल उबाला है। आलू को बहुत ज़्यादा नहीं उबालेंगे हम। इसे उबालने के बाद, इसे ठंडा होने के बाद मैंने इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। और इसके अलावा जो हमें चाहिए वो है, एक मैंने गाजर लिया है जिसे मैंने धो के कद्दूकस कर लिया है। ये मैंने मटर लिया है, इसे मैंने हाफ बॉयल कर लिया है। ये मैंने पैकेट वाले मटर लिए हैं, जो सफल मटर आते हैं पैकेट वाले, कोल्ड स्टोर में मिल जाते हैं, उन मटर का यूज़ किया है मैंने। उसी तरह से मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, उसको मैंने इस तरीके से काट लिया है लंबा लंबा, ये देखिए। और एक हमने टमाटर लिया है, रेड टमाटर लिया है बिल्कुल, उसको हमने गोल गोल स्लाइस में काट लिया है। कोशिश कीजिएगा जब आप टमाटर लें तो आप जो बिना बीज वाला टमाटर होता है उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक लिया है। तो आइए, इसे सबसे पहले हमें कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इस आलू को छील के और कद्दूकस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने सारे आलू छील लिए हैं, अब इसको मैं कद्दूकस करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये हमने सारे आलू कद्दूकस कर लिए हैं, अब इसे मैं एक गहरे बर्तन में डालूंगी। ये हमने एक गहरा बर्तन लिया है, इसमें मैं ये सारे आलू डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, ये मैंने आलू के मिश्रण में मिलाने के लिए लिया है। सबसे पहले हम ये एक बारीक कटा हुआ प्याज इसमें मिलाएंगे। यहाँ मटर मिलाएंगे, इसके अलावा ये गाजर। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें लाल मिर्च पाउडर है ये डालेंगे, धनिया पाउडर है लगभग 1.5 चम्मच है, काली मिर्च पाउडर है लगभग 1 चम्मच डालेंगे हम, चाट मसाला है 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। इसके अलावा ये मैंने चिड़वा लिया है जिसे मैंने पानी में धो लिया है, इसको मैंने गीला कर लिया है, ये हम इसमें मिक्स करेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। फ्रेंड्स, अभी हमारा 2 घंटा हो गया है, अब मैंने इसे फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है। अब मैं हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसकी हम टिक्की बना लेंगे। अब मैं हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, जो ये आलू का मिश्रण है ये चिपके नहीं। इतना बड़ा हमारा बर्गर है, उस हिसाब से हम आलू लेंगे, ये मिश्रण को उठाएंगे, इसको इस तरीके से हथेली पे रख के गोल करेंगे। इसको आप अपने हिसाब से मोटा या पतला बना सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के जो हमारा आलू का मिश्रण है हम सबको तैयार कर लेंगे इस तरीके से टिक्की बना के। ये हमने 2 टिक्कियाँ बना लिए हैं। अब इसकी पॉटिंग के लिए हमने ये मैदा लिया है, इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। ये हमने घोल तैयार कर लिया है, इसे ना बहुत ज़्यादा पतला बनाना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, बिल्कुल ठीक होना चाहिए इस तरीके से। ये मैंने ब्रेड का चूरा बना लिया है इसकी पॉटिंग के लिए। अब हम सबसे पहले ये जो हमने टिक्कियाँ बनाई हैं ये मैं उठाऊँगी और इसमें हम डीप कर देंगे इस तरीके से। ये मैंने इसमें डीप कर दिया है, अब इसको हम ब्रेड क्रम्स पे डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसमें मिला देंगे।
साथ ही मेरा ऑयल भी गर्म हो रहा था, ये मैं बिल्कुल गर्म ऑयल में इसको आंच को मैंने कम कर दिया है, मैं हम डाल देंगे। एक साइड गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने इसे पलट दिया है। आंच का ध्यान रखना है, हमें इसे मीडियम आंच पे बनाना है और इसे बनाने में हमें 3 से 4 मिनट लगता है। अगर जो आप इसे तेज आंच पे बनाते हैं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इसे हमें अंदर से भी क्रिस्पी बनाना है इसे, इसलिए हम इसे कम या फिर मीडियम आंच पे ही बनाएंगे। ये हमारा बिल्कुल दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब जो बर्गर का मेन पार्ट है, यानी ये बर्गर, ये देखिए, ये आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। मैंने बिल्कुल फ्रेश बर्गर लिया है, क्योंकि अगर जो हमारा बर्गर बासी होगा, टूटा हुआ होगा, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बिल्कुल फ्रेश बर्गर लीजिएगा, बिल्कुल मार्केट में ताज़ा बर्गर मिलता है। अब ये फ्रेंड्स, ये जो हमारा बर्गर है, इसे मैं बीच में से कट करके इसको हम मक्खन में सेकेंगे। अब मैंने गैस पे एक नॉनस्टिक तवा रखा है, अब फ्लेम में ऑन करूँगी, इसको हम गर्म होने देंगे। गर्म हो गया है, इस पर मैं थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। इस तरीके से हम बटर को चारों तरफ फैला लेंगे। इसके बाद ये जो हमने हमारे बर्गर हैं, इसको हम इस तरीके से सेक लेंगे। ये बर्गर को हम अंदर की साइड से ही सेकेंगे, पीछे से नहीं सेकना है। ये अब हमारा ये सिक चुका है, फ्लेम हम बंद कर देंगे, इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हमने अपने बर्गर को सेक लिया है। इसके बाद हमने ये रेड सॉस लिया है और ये मेनूस लिया है, अब इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे। इसको हमने इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, ये देखिए इसका कलर बहुत अच्छा हो गया। अब सबसे पहले हम बर्गर पे, ये जो हमारे बर्गर हैं, इसे हम इस तरीके से बीच में, अब ये हमारा सबसे पहले जो हमारा अनियन है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये हमने अनियन रखा। अब ये हमारे जो टमाटर के स्लाइस हैं, ये हम इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से हम इस पर ये टिक्की रख देंगे, उसी तरीके से हम दूसरी टिक्की भी रख देंगे इस पर। अब ये जो हमारा दूसरा पार्ट है बर्गर का, इस पर हम चीज़ स्लाइस है, ये हम इस पर रख देंगे। अब इसको हम कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बर्गर बनके तैयार है। ये स्लाइस आप अपने हिसाब से ऊपर या नीचे के बर्गर में आप रख सकते हैं। मैंने इसमें एक में ऊपर रखा है और एक में नीचे रखा है, ये आप चाहें तो दोनों में ऊपर चाहे दोनों में नीचे रख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, हमारा बर्गर बनके तैयार है, बिल्कुल हमने इसे घर में तैयार किया है, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बना है और बिल्कुल ये मार्केट जैसा बर्गर बना है। फ्रेंड्स, इसका जो ये आलू का मिश्रण बचा हुआ है, इसकी हम टिक्कियाँ बना के किसी टाइट कंटेनर में रख के हम फ्रीजर में रख सकते हैं। ये एक हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहता है और जब भी आपका बर्गर खाने का मन करे तो आप इनकी टिक्कियाँ निकाल के सीधा फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लें, और आप इसे जब भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।